है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का हैप्पी वाला बर्थडे। आज कपिल शर्मा के बर्थडे पर हम करेंगे ढेर सारी बातें। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से सभी का दिल जीत लेते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग शानदार है। सभी के चेहरे पर हंसी लाने वाले कपिल ने ये मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आज कपिल के 40वें जन्मदिन पर हम आपको उनके कॉमेडियन बनने के सफर के बारे में बताते हैं। कैसे कपिल ने पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला लिया। कपिल की जिंदगी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आज कपिल के जन्मदिन पर हम आपको बताते हैं कैसे कपिल बने कॉमेडी किंग। कपिल जब 23 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कपिल के कंधों पर आ गई थी। कपिल के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। पिता के निधन के बाद उनकी नौकरी कपिल को मिल रही थी, मगर उन्होंने ये नौकरी करने से मना कर दिया क्योंकि वे अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। जिसके बाद ये नौकरी कपिल के बड़े भाई को मिल गई और घर का खर्चा उठाने के लिए कपिल ने पीसीओ पर काम करना शुरू कर दिया था। पीसीओ पर काम करते हुए कपिल ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में कपिल ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी चैनल के शो हंस दे हंसा दे रहो से की, बट उन्हें असली पहचान द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। कपिल ने इस शो के लिए पहले अमृतसर में ऑडिशन दिया था, मगर वहां से रिजेक्ट हो गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दिल्ली में दोबारा ऑडिशन दिए तब कपिल सिलेक्ट हो गए। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कपिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कपिल सोनी टीवी के शो कॉमेडी सर्कस में आए। ये शो जीतने के बाद वे खुद अपना कॉमेडी शो लेकर आए, जिसके बाद कपिल देखते देखते कॉमेडी किंग बन गए। कपिल बॉलीवुड में भी कदम रख चुके हैं। अब जल्द ही वे OTT प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाने वाले हैं। आज कपिल के जन्मदिन पर उन्हें हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन पर हम यही दुआ करते हैं कि कपिल ऐसे ही दर्शकों को हंसते हंसाते रहें और फैंस के दिलों पर राज करते रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल MBT Entertainment को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।